नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। पिछड़ा अति पिछड़ा जगाओ यात्रा की शुरुआत अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्र कुमार सिंह चंदापुरी ने आज जहानाबाद के एक निजी रेस्ट हाउस से पिछड़ा अति पिछड़ा जगाओ यात्रा की शुरुआत की, जहां उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। पिछड़ा अति पिछड़ा जगाओ यात्रा का मुख्य मकसद विस्तारित 65% आरक्षण का नीतीश सरकार द्वारा लागू करना, जातिगत जनगणना और मंडल आयोग को पूर्णतः लागू करना है, जिसे लेकर सैकड़ों नवयुवकों का जनसैलाब आज जहानाबाद में उमड़ पड़ा। मुख्य अतिथि के रूप में अजय कानू उपस्थित रहे। सम्मेलन का उद्घाटन बिहार के विभिन्न जिलों से आए सामाजिक, बौद्धिक, राजनीतिक चिंतकों, विचारकों व संगठनों के प्रबुद्ध संचालकों ने भारत व्यापी पिछड़ा वर्ग आंदोलन के सूत्रधार न्यायमूर्ति RL चंदापुरी के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित कर किया। चंदापुरी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, गैर बराबरी का सामना कर रहे प्रदेश व देश की बहुसंख्यक पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों को समानता के दायरे में लाने के लिए नीतीश फॉर्मूला देश के सर्वांगीण विकास के हित में एक संवैधानिक एवं सर्वमान्य कदम है, जो एक राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्रांति का प्रकाश स्तंभ और मेरुदंड साबित होगा। सुनिए क्या कुछ कहा। क्या कार्यक्रम है आज हमारा बिहार में विस्तारित 65% जो आरक्षण है नीतीश कुमार जी का, उसको पुनर्लागू करने का है। जो नीतीश फार्मूला है बिहार में 65% आरक्षण का नीतीश फार्मूला, और देश में जातिगत जनगणना और मंडल आयोग को पूर्णतः लागू कराने के लिए मैं आज बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा पर निकल चुका हूं, और उसकी शुरुआत मैं आज जहानाबाद से कर रहा हूं। इसके बाद फिर मेरा आगे का भी कार्यक्रम अभी अनाउंस होगा। और ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है कि आप देखते होंगे कि अगर देश का अगर हम सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं कि सब पूरा जनता डेवलप हो जाए, कोई एक समाज अगर नहीं डेवलप हो उसको डेवलप कर दें तो काम नहीं चलेगा, जब तक कि संपूर्ण लोग नहीं आगे बढ़े। और हम इस देश की बहुसंख्यक आबादी पिछड़े अति पिछड़े वर्गों की हैं, और उनकी आबादी आज करीब करीब 60% है, तो उनको भी रिजर्वेशन के हिसाब से या कुछ ऐसा कुछ किया जाए, उसको दिया जाए। लेकिन आज क्या है, जो हमें 27% रिजर्वेशन मिला या हमें 65% आरक्षण का जो नीतीश फार्मूला लागू हुआ उसको ख़त्म कर दिया गया है, उसको पुनर्स्थापित करना होगा। और उसी के लिए मैं अपने लोगों को बिहार के विभिन्न जिलों में और जहानाबाद में आज आया हूँ, ताकि अपने लोगों को संगठित और करूँ, उनको जागृत करूँ और इसे एक आंदोलन का रूप दूँ, ताकि हमारी जो सरकार बनने वाला जो अभी है केंद्रीय में और जो हमारी बिहार में, वो इस पर सोचे और उस पर कुछ निर्णय लेके उसका कोई अगर कोई अड़चन है संवैधानिक उसको दूर करना का काम सरकार की है, हमारी सरकार की नहीं। हम लोग जनता तो क्या करेगी, सरकार को प्रति ये दबाव देने के लिए हम ये दौरे पर निकला हूँ और आज जहानाबाद आया हूँ। मुख्य अतिथि अजय कानू ने कहा कि मैं इस यात्रा में हर कदम चंदापुरी जी के साथ हूँ और यात्रा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। हम इस देश में बहुसंख्यक हैं, बावजूद अपने संवैधानिक मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कब तक यूं ही भीख मांगते रहेंगे, अब सड़क से सदन तक हिला देंगे तब जाकर हमें हमारा हक मिल पाएगा। ये पिछड़ा वर्ग संघ ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये सामाजिक मंच है, और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ का शुरुआत जो है वो जहानाबाद से ऐसे शुरू किया जा रहा है, जिसमें हम बिहार के विभिन्न जिला माने 3800 जिला में हम लोग सामाजिक कार्यक्रम चलाएंगे। पहले ही बोल दिए राजनीतिक मंच नहीं है, सामाजिक मंच है। और वो जो 65% आरक्षण की बात या फिर जो गणना हुई है, हम मांग करते हैं सरकार से कि पूरा भारत में इसको जनगणना होनी चाहिए। हमारे जो अध्यक्ष महोदय बोले हैं उनसे हम सहमत हैं, और इन्होंने मुझे बिहार में इस संगठन का संरक्षक के रूप में जो जिम्मेवारी दी है, मैं पूर्ण रूप से उनको विश्वास दिला रहा हूं कि हम पूरे बिहार में संरक्षक की जिम्मेवारी है तो हम निभाने का काम करेंगे। एक बात, दूसरी बात कि आप देखेंगे राज सत्ता
तो आजकल क्या है, आज बोर्ड लगा हुआ है कि भाई किसी तरह से विधानसभा चल जाए, लोकसभा का सदस्य बन जाए, पिछले दरवाजे से राज्यसभा चल जाए, विधान परिषद बन जाए, एक बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन हमको कहना है कि सिर्फ राज सत्ता में भागीदारी ही सब चीज तय नहीं करता है, क्योंकि सत्ता को चलाने के लिए चार जो मुख्य स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ आप लोग मीडिया वाले हैं, है ना। तो ये जो दबे कुचले लोग जो हैं, जो 90% जो लोग हैं, इनको सब में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया में सब में भागीदारी होनी चाहिए, तभी हम लोग का सही अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। और संविधान में जो चीज़ जो है, अगर संविधान में जितनी भी नांगड़ा भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, अगर उसी को अगर बढ़िया से अगर लागू कर दिया जाए तो बहुत समस्याएं जो है वह समाप्त हो जा सकते हैं। जैसे सात मौलिक अधिकार, सात मौलिक अधिकार में आप भी जानते हैं शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार, लेकिन शोषण के विरुद्ध जब लोग लड़ता है तो उसको रेखांकित कैसे करते हैं, उल्लेख कैसे करते हैं, उसको सही इस्तेमाल। आप तो गहराई से जानते हैं कि आप शोषण के विरुद्ध लड़े हैं, गरीबों के हक के लिए लड़े हैं, आपको अच्छे से जानते हैं, क्या लगता है कि आज के परिवेश में इसमें कुछ बदलाव हो? देखिए, अब पीछे वाली बात को भी छोड़ दिया जाए कि क्या पिछली वाली बात इसलिए छोड़ दिया जाए कि एक समय वो स्ट्रगल चल रहा था, हथियार बस संघर्ष चल रहा था, और आज के परिवेश में है ना, आज के परिवेश में हम विभिन्न राजनीतिक संगठन के लोग हमको अपने मंच पर बुलाते हैं, लेकिन कोई भी अभी राजनीतिक पार्टी का हम सदस्य नहीं है। हमारे पास भाजपा वाले, कांग्रेस वाले, जनता दल, यू विभिन्न राजनीतिक पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी भी है, वो लोग भी हमको सूचित किए हैं, अजय जी अब हमारे पार्टी में चले आए। मैं भैया, मैं बहुत राजनीति किया हूँ, छात्र आंदोलन से मैं एसएन सिन्हा कॉलेज का छात्र का अध्यक्ष रहा हूँ, यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, बाद में हम दक्षिणपंथी विचारधारा छोड़कर वामपंथी विचारधारा को अपनाए हैं, तो हम जहाँ हैं वहीं हैं, हमको कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ने का इच्छा नहीं है, हम सामाजिक संगठन के साथ हैं, समाज के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, बचे हुए समय जो है वो समाज के लिए करना चाहते हैं। एक बात और बोल दें, हम विभिन्न राजनीतिक पार्टी के बोल दिए, अभी एक प्रशांत किशोर जी हैं, इनके द्वारा भी हमारे पास ऑफर आया हुआ है कि आप एक टिकट आपको हम विधानसभा में देंगे, आप हमारे पार्टी में। मैं हाथ जोड़ कर इस तमाम राजनीतिक पार्टी से यही बोले हैं, मुझे कोई राजनीतिक पार्टी में नहीं, मुझे विधानसभा लोकसभा चुनाव नहीं लड़नी है, है ना, हमको सामाजिक काम पहले से करते हैं, आज भी बचे हुए समय में सामाजिक काम करना चाहते हैं, यही कारण है। राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष शांति शाह ने कहा कि चंदापुरी जी के नेतृत्व में ये यात्रा आज समय की मांग है। सही मायनों में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए न्यायमूर्ति आरएल चंदापुरी के बताए रास्तों पर चलना पड़ेगा। ये यात्रा जहां भी जाएगी हमारे समाज के लोगों के लिए एकजुटता का कार्य करेगी। डॉक्टर महबूब आलम अंसारी ने